بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس جہاں کو اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالی ہے اس جہاں کو بنانے والا اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالی ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں किसी भी चीज़ के बनाने वाले को ही पता होता है कि इसको बनाने में सरमाया कितना लगा है, कितनी मेहनत लगी है और उस चीज़ की कीमत क्या होनी चाहिए। बेशक ये जहाँ अल्लाह ताला ने बनाया और अल्लाह ताला ही हमें ये खबर देता है कि इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया मेरे नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती तो मैं काफिर को एक घूंट का तो मैं काफिर को एक घूंट पानी के बराबर भी ना देता। यहाँ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिरों को बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के मुकाबले में काफिरों को बहुत बहुत देकर नवाजा है। दुनिया की मुसीबतें ईमान वालों के लिए, दुनिया की परेशानियां ईमान वालों के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया मेरे नज़दीक इतनी गई गुजरी चीज है कि सारी इनको दे देता और ईमान वालों को कुछ न देता। बताना मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक इस दुनिया की कोई कदर और कीमत नहीं है। ईमान वालों के लिए दुनिया कोई कीमत न रखे, ईमान वालों के लिए ये दुनिया कोई अहमियत न रखे, क्योंकि हमारे खालिक के नज़दीक इस दुनिया की कोई कदर और कीमत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें आदम से वजूद बख्शा, हम कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ए इंसान, तू वो दिन याद कर जब तू कुछ भी नहीं था, जब तू कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। ज़मीन और आसमान भी नहीं थे। अल्लाह ताला ऐसा बनाने वाला है जो बग़ैर किसी चीज़ के चीज़ को बनाता है। हम तो ख़याल से चीज़ें बनाते हैं, हम तो ख़याल से चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खालिक है, खालिक हकीकी है, हकीकी खालिक है, बग़ैर चीज़ के चीज़ बनाता है। ज़मीन का ख्याल कोई नहीं था, उसने बग़ैर ख्याल के ज़मीन बना दी। आसमान का कोई ख्याल नहीं था, उसने बग़ैर ख्याल के सातों आसमान तह बतह बना दिए। सूरज चांद सितारों का ख्याल कोई नहीं था, उसके बग़ैर अल्लाह ताला ने बना दिया। कोई दरख्त नहीं था, फिर भी अल्लाह ताला ने हर चीज़ बग़ैर ख्याल के बना दी। हम उसके तरीक़े को छोड़कर इज्जतें कहाँ पा सकते हैं? हम उसके बताए हुए रास्ते को छोड़कर कामयाबी कैसे पा सकते हैं? साइंस और टेक्नोलॉजी से गैर कौमें इज्जत पा सकती हैं,
खुदा की कसम मुसलमान इज्जत नहीं पा सकता जब तक अल्लाह के हबीब के दामन को ना पकड़े, जब तक मेरे नबी की सुन्नत पर ना चले, इज्जतें तुम्हारे पास नहीं आएंगी। फैसला तो ऊपर से आता है, फैसला तो ऊपर से आता है, अल्लाह करता है, जिसे चाहे इज्जत दे, और हुक्म ऊपर से आता है कि उसको जलील कर दो, और ऊपर का फैसला बंदों और रब के दरमियान हक नापने का जरिया है। हम सब अपने इरादे में अल्लाह के मोहताज हैं। हम जो करना चाहते हैं अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कभी नहीं हो सकता, और अगर हम नहीं चाहते लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत करना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। तो क्या मतलब हुआ कि हम तमाम लोग, हम तमाम ही अपने इरादे में अल्लाह के मोहताज हैं, और अल्लाह पाक अपने इरादे को वजूद में लाने के लिए किसी के मोहताज नहीं, किसी के मोहताज नहीं। हम हर चीज में कदम कदम पर अल्लाह के मोहताज हैं। आज हमारी आंखें देख रही हैं अल्लाह की मर्जी, आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं अल्लाह की मर्जी, अगर आज हम अपने पांव पर खड़े हैं अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह ना चाहे तो एकाएक ही एक पल में ही हम हाथों से माजूर हो जाएं, पैरों से माजूर हो जाएं, आँख की बीनाई से माजूर हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि अल्लाह किसी के हुक्म का, किसी के इरादे का मोहताज नहीं है। या अय्युहा नास अंतुमुल फुकरा, ए लोगों तुम फकीर हो, मोहताज हो, वल्लाहु हुवल गनी, अल्लाह तबारक व तआला गनी है, किसी का मोहताज नहीं है। हम जो चाहेंगे वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता, जो वो चाहेगा, अल्लाह जो चाहेगा वो हम सब के बगैर कर देगा। हदीस कुदसी में आता है, ये आबदी आता तुरीद व अना उरीद, ऐ मेरे बंदे एक इरादा तू करता है और एक इरादा मैं करता हूँ, वला यकूनु इल्ला मा युरीद, वला यकूनु इल्ला मा उरीद, जो तुम चाहते हो वो मेरे बगैर नहीं होता, और जो मैं चाहता हूँ वो तुम सब के बगैर कर लेता हूँ। हम क्या करें, ऐनल मफर, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, किधर भागें। तू एक काम कर ले, तेरे सारे काम मैं कर लूंगा, तू एक काम कर ले, तेरे सारे काम मैं बना दूंगा, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और मैं वो करूँगा जो तू चाहता है। रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत के गुलाम ना बनो, ख्वाहिश के गुलाम ना बनो, दौलत रुपये पैसे के गुलाम ना बनो। आज हमने आज़ादी, आज हमने आज़ादी इसी को समझा हुआ है कि गाड़ियाँ मिल गई, बंगले मिल गए, पोशाक अच्छा पहन लिया, बस इज्जत का हमारे नज़दीक मफहूम ही बदल गया। हम जिल्लत की पस्ती में हैं और समझते नहीं कि हम जलील हो चुके हैं। इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि लोगों को सिवाय पेट भरने के और शहवत पूरी करने के और कोई काम ही नहीं होगा, बस रंगारंग के खाने कैसे खाऊं, अय्याशी कैसे करूं, बदमाशी कैसे करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है। तवज्जह फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरी नाराज़गी की निशानी ये है कि उनकी खेतियां शुरू हो जाएं और पक जाएं, तो बारिशें शुरू कर दूंगा,
खड़ी खड़ी फसलें बर्बाद कर दूंगा, और जब उनकी खेती बारिश मांगेगी तो बारिश को रोक दूंगा। और नादान, ना समझ, ना अहल इंसानों को हुकूमत दूंगा। माल और दौलत उनके बखील आदमियों को दूंगा, ना अपने ऊपर लगाएगा ना गरीबों पर लगाएगा। और हुकूमत ऐसे बेवकूफ़ इंसानों को दूंगा कि वो सारी ज़मीन जुल्म और सितम से भर देंगे। वो ठीक भी करना चाहे तो गलत हो जाए। आप बताएं या खुद सोचें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खड़ी खड़ी फसलें बर्बाद कर देगा, जब फसलें पक जाएंगी तब बारिश होगी। फसलें बर्बाद होंगी जब उनकी खेती, जब हमारी खेती बारिशें मांगेंगी तो अल्लाह बारिश को रोक देगा। आज क्या हो रहा है? हमारी खताओं की वजह, हमारे गुनाहों की वजह अल्लाह हमसे नाराज है कि अल्लाह ने हमसे बारिश को रोके रखा हुआ है। और आप तो जानते ही हैं हुकूमत कितने अक्लमंदों के हाथ में है। आप जानते ही हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत कौन कर रहा है। ये उनकी खता नहीं है। हम यहाँ अपना मुहासिबा करें कि हम किस अमल में पीछे हैं और किस अमल में हमारा किरदार आगे आगे है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, अच्छा बता दे तेरे राजी होने की क्या निशानी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब खेती पानी मांगती है तो मैं बारिश कर देता हूँ। फरमाया, जब उनकी फसल तैयार होती है तो बारिश को रोक लेता हूँ और हुकूमत उनके अक्लमंद लोगों को देता हूँ, दर्दमंद लोगों को देता हूँ, बुर्दबार लोगों को देता हूँ, चश्म पोशी करने वालों को देता हूँ, माफ़ करने वालों को देता हूँ, खुश अखलाक लोगों को हुकूमत देता हूँ। ये सारे मानी आलीम के हैं। पैसा, दौलत सखी लोगों को देता हूँ, ये मेरे राजी होने की दलील है। तो सोचें, हम सब सोचें कि आज हमारे पास कैसा माहौल है। क्या हमारी खेती जब पानी मांगती है तो बारिश होती है? जब पककर खेती तैयार हो जाती है तो क्या बारिश रुक जाती है? क्या हुकूमतें हमारी अक्लमंदों के हाथ में हैं? क्या पैसा आज सखी के पास में है? ये सब हमारे गुनाहों का नतीजा, हमारी खताओं का नतीजा, ये सब हमारे दुनिया के पीछे भागने का नतीजा, सुन्नतों को छोड़ने का नतीजा, प्यारे नबी के प्यारे तरीक़े को छोड़ने का नतीजा। आज हम ये सोचें कि आज अल्लाह ताला हमसे कितना नाराज़ हो गया है। हम कोई नई बात नहीं सुना रहे हैं, हम कोई नया मसला बयान नहीं कर रहे हैं, ना ही हम कोई नया किस्सा सुना रहे हैं। वही हो रहा है, वही बदला रहे हैं जो हो रहा है। हम सुनते हैं कि कहीं से समंदर उमड़ आया, सुनामी आ गई है, जलजले आ गए हैं, बारिश की वजह से घर बहते चले जा रहे हैं, आंधी की वजह से घर बर्बाद होते जा रहे हैं। हम सुनते आ रहे हैं, ये हवाओं का चलना, ये पानियों का बहना, ये बादलों का बरसना, ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। हम अल्लाह को साथ लें और अल्लाह को साथ लिए बगैर कोई हमारा मसला हल नहीं होगा। अल्लाह के बगैर हमारा कोई भी मसला हल नहीं होगा। जब अल्लाह साथ होगा ज़मीन से बरकतें निकलेंगी, ज़मीन सोना उगलेगी। जब तकवा आ जाएगा तो अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा, और जब अल्लाह साथ होगा तो ज़मीन से बरकतें निकलेंगी, ज़मीन सोना उगलेगी। मुसीबत अल्लाह से सुबह उठते ही पूछती है, या अल्लाह मैं आज कहाँ जाऊँ? तो अल्लाह ताला कहते हैं, जा देख ले जो जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फरमा बरदार हैं, उनके घर चली जा।
मुसीबत को अल्लाह कह रहे हैं। क्यों? देखूंगा मेरे बंदे कच्चे हैं या पक्के हैं। देखूंगा मैं उनके सब्र का इम्तिहान लूंगा, उनके गुनाहों से उनको पाक कर दूंगा थोड़ी सी तकलीफ देकर, उनके दर्जात को बुलंद कर दूंगा। आज हमारे घर छोटी सी मुसीबत आ गई तो हम अल्लाह को कोसते हैं, किस्मत को कोसते हैं, अल्लाह के फैसले पर खुश नहीं होते, बल्कि हम ईमान वाले हैं, हमें अल्लाह के हर फैसले पर खुश होना चाहिए। ख्वाह वो हमें फैसला दुख देने वाला हो या हमें भूखा रखने वाला हो, आज हम ईमान वाले होने का दावा करते हैं, फिर भी अल्लाह के हर फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हैं। जब कोई मुसीबत आए और हम उस पर सब्र शुक्र करें और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, तो समझ लेंगे मुसीबत हमारे लिए नेमत बनकर आई है। लेकिन मुसीबत के बाद अगर हम किस्मत को कोसने लगें, अल्लाह पर नाराज़गी का इजहार करने लगें और बुराई की तरफ माइल हो जाएं, तो खूब समझ लें कि ये हमारे किसी बुराई का नतीजा है, हमारे गुनाहों का फल है। जब इंसान की सोच और फिक्र और गम दुनिया बनेगी और माल दिल में उतरेगा, तो नमाज में भी दुनिया ही को सोचेगा, नमाजों में भी दुनिया ही का ख्याल आएगा। आज दुनिया की दौड़ ने हमें प्यारे नबी के प्यारे तरीक़े से गाफिल कर दिया। हम अपने प्यारे नबी के दर्द को अपना दर्द बना लें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि जो मेरे गम को अपना गम बना लेगा और आखिरत के गम को अपना गम बनाएगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया में बरकत देगा, उसके कामों को इकट्ठा कर देगा, अल्लाह ताला उसके दिल को बादशाह कर देगा और दुनिया नाक रगड़ रगड़ के उसके कदमों में आएगी। और जो मेरे गम को अपना गम नहीं बनाएगा और जो मेरे गम को अपना गम नहीं बनाएगा, वो दुनिया के गम में फंस जाएगा और माल की दौड़ लगाएगा, अल्लाह उसके दिल को परेशान कर देगा, अल्लाह ताला उसके फ़ख्र फाखे में मुब्तला कर देगा और दुनिया में उसे मुकद्दर के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। क़ुरान का ये दस्तूर दिया है कि अल्लाह को ले, अल्लाह को लिए बग़ैर न दुनिया बनेगी न आखिरत बनेगी, न अंदर को सुख मिलेगा न बाहर को सुख मिलेगा। अगर इंसान सारी दुनिया का माल मता इकट्ठा कर ले, सारी दुनिया के हुस्न को अपने पहलू में बिठा ले, सारी दुनिया के तख्त उसके सामने आ जाएं, सारी दुनिया के खजाने सिमट कर उसके कदमों में आ जाएं, सारी दुनिया के खजाने सिमट कर उसके कदमों में आ जाएं, अगर वो अल्लाह पाक से दूर है तो इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसके अंदर के अंधेरों को भर सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसकी रूह की तड़प का इलाज बन सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसके अंदर के अंधेरों को रोशन कर सके। दिल का मरहम अल्लाह है, रूह के अंधेरों की नूरानियत अल्लाह है, अंदर की परेशानियों का इलाज अल्लाह है, बाहर के दुख दर्द की दवा करने वाला भी अल्लाह, अंदर के गमों को दूर करने वाला भी अल्लाह, ज़मीन को मुसख़र करने वाला भी अल्लाह, कायनात को मुसख़र करने वाला भी अल्लाह। अपने दिल की दुनिया को चैन देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के बगैर हम कुछ नहीं, वो राज़ी ना हुआ तो कुछ हासिल ना हुआ, वो राज़ी हो गया तो सब कुछ हमें मिल गया। अगर अल्लाह नाराज़ है तो सुन लो, हमने दोनों जहाँ की बाजी हार ली, तो सुन लो हम दोनों जहाँ की बाजी हार गए। अगर वो राज़ी है तो हम दोनों जहाँ में बाजी जीत गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मेरे ताबे हो जा, मेरा फर्मा बरदार हो जा,
मैं तेरे दिल के सारे गमों से तुझे निजात दे दूंगा, तेरे दिल को गनी कर दूंगा, तेरे फक्र फाखे को दूर कर दूंगा। अगर तू मेरी तरफ ना आया और मेरे साथ तूने जोड़ ना बिठाया, तो फिर याद रख ले मैं तेरे अंदर मुसीबतें भर दूंगा, तुझे मसरूफियत में फंसा दूंगा, तेरे ऊपर मशगूली के अजाब को मुसल्लत कर दूंगा। आज मेरा जहन, आपका जहन, बल्कि दुनिया के सारे इंसानों का जहन ये है कि पैसा आएगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, हम खुशहाल होंगे, हमारे घर वाले खुशहाल होंगे, हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का, सिखों का, तमाम दुनिया के इंसानों का एक ही जहन है कि पैसा आएगा तो हम खुशहाल हो जाएंगे और मसले हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं राजी होऊंगा तो तुम खुशहाल हो या बदहाल हो, तुम्हारे हाल बन जाएंगे। अगर मैं राजी हूँ तो तुम्हारे दुनिया और आखिरत के मसाइल हल हो जाएंगे, और अगर मैं नाराज हूँ तो ना तुम्हारी दुनिया बनेगी ना तुम्हारी आखिरत बनेगी। ये अल्लाह का हुक्म है जो आसमान से आया है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरी इताअत होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, और जब मैं राजी होता हूँ तो बरकत देता हूँ, फिर मेरे बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं जिनकी कोई हद नहीं, जो आखिरत को गम बनाता है, अल्लाह उनके दिल में गिना को डाल देता है और दुनिया उनके ताबे बन जाती है। अल्लाह ताला उसके सारे गम को दूर कर देता है, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर देता है। मुसलमान कहता है कि मैं परेशान हूँ, सुकून नहीं। आज हम यही कहते हैं एक दूसरे से, बहुत परेशान है, घर में तंगी चल रही है, घर में बरकत नहीं है, औलाद नाफरमान हो रही है, दिल को सुकून नहीं है, घबराहट सी हो रही है, हर मुसलमान कहता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अगर तू मेरे दीन की तरफ आए तो मैं तेरे सारे गम दूर कर दूंगा, मैं तेरी परेशानियां दूर कर दूंगा, तेरे फक्र व फाखे को दूर कर दूंगा, तेरे दिल में गिना डाल दूंगा, दुनिया तेरे पास नाक रगड़ कर आएगी। और जो दुनिया को गम बना लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को परेशान कर देता है, उसके सामने फख्र को तारी कर देता है, और मुकद्दर से ज़्यादा वो दुनिया से कुछ भी नहीं उठा सकता। अगर सुकून चाहते हैं तो रियाकारी छोड़ दो, बद अखलाकी छोड़ दो, दूसरों को कमतर समझना छोड़ दो, खुद को बेहतर समझना छोड़ दो, दुनिया के सामने दिखावा मत करो, तकवा सच में अपनाओ, दूसरों का गम बांटो, दूसरों की तकलीफ को समझो, पहले खुद की इस्लाह करो, पहले खुद की इस्लाह करो, पहले अल्लाह को खुद राजी करो, तुमसे खुद दूसरे लोग सीखेंगे। मोमिन मोमिन का आईना होता है, मोमिन मोमिन का आईना होता है। आज हम आपसे कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि हमसे कोई अगर सीखे तो अच्छा सीखे। जो सुकून चाहते हैं, इज्जतें चाहते हैं दुनिया की और आखिरत की, तो अपने ऊपर से रियाकारी का चोला उतार लो और मेरे नबी के तरीकों में ढल जाओ। अल्लाह को अपने नबी का एक एक अमल पसंद है, छोटा छोटा सा अमल पसंद है। जो शख्स जिस वक्त किसी सुन्नत पर अमल करता है, अल्लाह ताला उसको मोहब्बत की निगाह से देखते हैं,
और जिसको अल्लाह मोहब्बत से देखें उस पर रहमतें की बारिश होती है। सुकून का दूसरा नाम ही रहमत इलाही है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।